अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, जिस वक्त जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, बिलखसूस अगर आलमी सूरत हाल की बात की जाए, तो एक इंतहाई कशीदा माहौल जो है वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं, और उसमें मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ़ नौइयत की पेचीदगियाँ भी जो है वो हमारे सामने आ रही हैं, बल्कि दुनिया का जो रवैया उसके बाद तब्दील हुआ है, बड़ी हद तक जो है वो उसको कहा जा सकता है कि कोई खौफ की एक फ़िज़ा जो है वो डेवलप होती हुई बड़ी वाज़े तौर पर दिख रही है। अमरीका की तरफ से किया जाने वाला हमला जिसमें कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, वो एक ऐसा पहलू है कि जिसको अगर क्रिटिसिज्म उस तरफ नहीं भी किया जा रहा, अमरीका की तरफ से जो ज़्यादती की गई है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा अमल ज़रूर है कि पूरी दुनिया किसी हद तक अमरीका को आइसोलेशन में जो है वो धकेलती हुई नज़र आ रही है इस हमले के बाद। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस किस्म की पाबंदियों की, सेंक्शंस की बात जो है वो अमरीका की जानिब से की जा रही है, या मज़ीद हमलों की जो धमकियाँ दी जा रही हैं, वो तमाम हालात ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पे यकीनन ईरान जैसा मुल्क एक मुख्तसर मुल्क है, एक मुख्तसर रियासत है, एक मुख्तसर रिसोर्सेज से जो है वो जो लेस है ये रियासत, और जिसकी जो अगर आप उसकी कुल आबादी की बात कर लें तो 8 करोड़ आबादी का मुल्क है, जो दिफाई बजट है वो 14 अरब से ज़्यादा का नहीं है, जबकि इसके कंपेरिजन में हम देखते हैं तो अमेरिका का जो दिफाई बजट है वो 1600 अरब का बजट है। इसी तरीके से अगर फ़ौज की बात कर ली जाए तो ईरान की जो फ़ौज है वो भी इंतहाई मुख्तसर सी 4-5 लाख नफूस पर जो है वो मुश्तमिल फ़ौज है। इसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम मसला है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, वो हुआ आज क्वेटा में होने वाला जो धमाका है जिसमें 14 नमाजी जो है वो शहीद हुए हैं। इन्हीं तमाम मौजूदात में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल रज़ा आबदी, किसी तारुफ के यकीन मोहताज नहीं है और बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं, ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ती के हवाले से अगर बात कर ली जाए, और उसके साथ साथ जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं मुस्लिम उम्मा को, इसी पर हम बात करेंगे। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। फैसल, कैसे देखते हैं इस वक्त जो मौजूदा, सबसे पहले तो अमेरिका का जो मोहतात रवैया है, एक डिफेंसिव रवैया के मतलब एक जनरल को हलाक करने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश की जाती हैं, फिर मुज़ाकरात की भी जो है वो गैर मशरूत जो है वो पेशकश कर दी गई है। जी, सबसे पहले तो ताज़ियत जनरल सलमानी और जनरल अबू महदी की आलम इस्लाम से, ताज़ियत क्वेटा में होने वाले धमाके में जो मुहिब वतन पाकिस्तानी शहीद हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मशरक़ वस्ती की सारी सूरत हाल है, ये मेरा सब्जेक्ट रहा है पिछले 15 साल से। तो अगर 15 साल से मैं इस सब्जेक्ट पे हूँ तो ये कहना इंतहाई गलत होगा कि ईरान और अमेरिका का जो ये तनाज़ा है ये कोई जनरल सुलेमानी की शहादत के बाद शुरू हुआ। बेसिकली ये तो जंग चल रही है ईरान की अमेरिका से 1980 से, और 1980 में 70 के करीब ममालिक जो हैं वो सद्दाम की पुश्त पे खड़े होकर ईरान से मुसलसल 9-10 साल उन्होंने जंग लड़ी। 80 में ही ईरान पे सेंशंस का बिल्कुल उस तरह आगाज़ हुआ जिस तरह कुछ साल पहले पाकिस्तान पे सेंशंस का आगाज़ हुआ है। तो खित्ते के अंदर दो ममालिक जो हैं वो ख़तरे में हैं, एक ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तो ये कहना आधा सच होगा कि सिर्फ ईरान से मसला है, ये पूरा सच होगा कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी इस खित्ते के अंदर क़ुव्वतों का निशाना है। कहीं पे अमेरिका डायरेक्ट है, कहीं दाइश के साथ है, ISIS के साथ है, और कहीं पर इंडिया के साथ है। तो बहरहाल ये दोनों मुल्क हैं, और दोनों के मुल्कों के अंदर जो है एक वर्ल्ड मैप को अगर आप देखें तो बलूचिस्तान, जिसको आज़ाद बलूचिस्तान के तौर पे सामने लाया गया आलमी क़ुव्वतों की जानिब से, अगर पाकिस्तान में बलूचिस्तान है तो ईरान के अंदर भी पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा रकबे पर मुहित एक बलूचिस्तान है। तो ये आलमी साजिश है जिसमें चाबहार और गवादर को दोनों को निशाना बनाना है, और इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए लाजिम है कि आज़ाद बलूचिस्तान की सूरत के अंदर जो एक नया मुल्क है वो सामने लाया जाए, जिसके बाद वो तमाम एग्रीमेंट्स जो गवादर मेगावल सिटी पे कायम हैं वो अस खुद टूट जाएंगे, और किसी भी सूरत जो है पाकिस्तान जो है वो एम्पावर नहीं होगा, और उसके साथ साथ ईरान का भी सबसे बड़ा नुकसान होगा कि चाबहार उसके हाथ से निकल जाएगी। असल, आपके ख्याल में इस वक्त जो अभी जो मौजूदा कशीदगी है ये किस हद तक जो है वो असरअंदाज होगी ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, और जो दावा किया जा रहा है बिल्कुल ईरान की जानिब से बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो है वो दायरा
تنگ کرنے کی بات کر دی گئی ہے مغربی ایشیا میں امریکی افواج کے لیے, اور وہ جس حد تک تسلط ہے یقیناً جو ہے وہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی تسلط جو ہے اس مخصوص خطے میں موجود ہے, اور ایسے بہت سارے ممالک ہیں جو آج بھی جو ہے وہ امریکی پیج پہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو کس طریقے سے اب یہ ممکن ہو سکے گا, یہ جو سورش ہے یہ کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات کلیئر بتاؤں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو امریکہ دو جگہ پر داخل ہوتا ہے اچانک. آج سے 10-11 سال قبل ایک عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا, یاد ہوگا آپ کو, بادشاہت کے خلاف تھا, اور وہ سائیکلون کی طرح گھومتا آخر میں وہ بشار الاسد پہ آ کے رک گیا. تو بیسیکلی بشار الاسد پہ آ کے نہیں رک گیا, بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو امریکہ نے ہر اس جگہ اپنے اڈے بنائے جہاں پر اس کی تیل کی تنصیبات تھیں. اور شارٹ میموری جو رکھتے ہیں لوگ, ان کو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ امریکہ نے شام کے تیل کی وسیع پیمانے پہ اسمگلنگ شروع کر دی بلیک کے اندر, وہاں سے قبضہ کرنے کے بعد. اسی طرح عراق میں جو امریکہ بیٹھا ہے 10 سال سے, وہ کوئی داعش سے لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا. بھائی یہ چیز آپ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ داعش, آئی ایس آئی ایس اور امریکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. داعش از میڈ بائی امریکہ, ایوری بڈی نوز ان دا ورلڈ, اور خود وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے مختلف بیانات اس ضمن کے اندر آن ریکارڈ ہے, جو آگے آنے والی بحث میں میں آپ کے سامنے لاؤں گا, جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ داعش کو اسلحے سے نوازا ہے, اوپر سے گرا گرا کے, اور بعد میں بولا ہے جی یہ ٹنوں ہزاروں ٹن اسلحہ جو ہے یہ غلطی سے وہ داعش کے پاس گر گیا جا کے, حالانکہ وہ اپنی فوج کو بھیج رہے تھے جبکہ ان کے پاس یہ رپورٹ موجود تھے. تو عراق میں جو وہ 10 سال سے بیٹھا ہے, وہ عراق میں داعش سے لڑنے نہیں بیٹھا, عراق کے پیٹرول پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. عراق دنیا میں چوتھا بڑا آئل ریزرو رکھنے والا ملک ہے, اور وہاں سے وہ اس پیٹرول کو بھیج رہا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اس سے دوسرا نقصان کیا ہوا, جو جنرل سلمانی کے شام اور عراق میں اترنے کا سبب بنا, قطن نہیں کہ وہ اسد حکومت کی سپورٹ کے لیے آئے تھے, یہ سفید جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب داعش وہاں پہ اتری ہے تو اس کا نشانہ بشار الاسد سے زیادہ آل رسول کے مزارات تھے. حضرت حجر بن ادائی کی لاش کو 1400 سال بعد قبر کھود کے نکالا گیا اور گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے شام کی شاہراہوں پہ گھمایا گیا. حضرت عمار یاسر, حضرت اویس کرنی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, اور انبیاء اکرام حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت سلمان علیہ السلام کے مزارات کو دھماکوں سے اڑایا گیا. آل رسول کے مزارات, بی بی سکینہ کے مزار کو شہید کیا گیا, بی بی زینب کے مزار پہ 100 سے زیادہ راکٹ حملے کیے گئے, اور متواتر ایک وقت ایسا تھا کہ صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ داعش پہنچ چکی تھی, اور وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ کل شام تک ہم اس مزار کو منہدم کر دیں گے. تو اس وقت قاسم سلیمانی جو ہیں وہ اپنی پوری افواج کے ساتھ وہاں اترے, اور انہوں نے مزارات کو سیو کیا. حضرت حجر بن ادائی کی لاش کو دوبارہ تدفین کی پورے اعزاز کے ساتھ, تمام مزارات انہوں نے بنائے. اسی طرح جب کربلا کے اوپر حملے شروع ہوئے, قاسمین کو شہید کیا گیا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار کو, امام علی نقی علیہ السلام کے مزار کو, امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار کو دھماکوں سے شہید کر دیا. جو لوگ سامرا اور قاسمین جاتے ہیں وہاں پہ نقشے دیکھتے ہیں جو وہاں پہ گھروں کی حالت ہے, یعنی راکٹ لانچروں سے حملے اور باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام. تو وہاں پر بھی قاسم سلمانی صاحب اترے, اور انہوں نے عراق کے نوجوانوں کے ساتھ آیت اللہ سستانی کے حکم پر وہاں پہ ان کا قلعہ کما کیا, اور اتنا محفوظ کر دیا کہ اب 4 سے 5 کروڑ لوگ اگر کربلا جا رہے ہیں تو وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم آزادی سے واک کر رہے ہیں, لیکن اس آزادی سے واک کرانے کے اندر جو قیمت انہوں نے ادا کی ہے اس میں قاسم سلمانی صاحب کا ایک بڑا کردار ہے, اور وہ اسلامی ہیرو کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھے. فیصل, یہ جو تو میں جو کمپلیٹ کروں, تو یہ جتنے آل رسول کے مزارات پہ حملے ہیں, اگر داعش تھی تو در حقیقت امریکہ تھا. ہاں, یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ امریکہ نے اتنی ہمت کی کہ آل رسول کے, دیکھیں نا نماز میں جب تک آپ محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجیں آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی. تو حرمت, عقیدت, حفاظت, یہ سب پہ اتنی ہی واجب ہے جتنی روزہ رسول کی واجب ہے, اسی طرح آل رسول کی بھی واجب ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کل مسلمانوں میں غیرت صرف انہی چند جرنیلوں میں تھی, یہ اترے, یہ نوجوان اترے اور انہوں نے اس کا تحفظ اور دفاع کیا, باقی لوگ سوتے رہے. یہ جو حملہ تھا, یہ جو شہادت ہے, یہ جو قتل ہے, آپ کے خیال میں یہ امریکہ جیسی ریاست جو ہے وہ اس قسم کی مس کیلکولیشن کر سکتی ہے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا, جس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کے لیے مستقبل میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ بھجن ترتیب سے آئیں گے, اور ترتیب صرف اتنی سی ہے کہ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے نا, یہ متواتر حملے رہے ہیں جس کو پروکسیز کا نام دیا جاتا ہے. تو پروکسیز ایک فرد نہیں لڑ رہا ہوتا, ایک فرد کے سامنے دوسرا لڑ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آنکھ کھولی جاتی ہے, ایک آنکھ دجال کی طرح بند کر دی جاتی ہے.
तो वो दूसरी आंख जो है ना वो मैं खोलने बैठा हूँ। बात यह है कि प्रॉक्सीज पाकिस्तान पे भी रही, कभी टीटीपी की सूरत में रही हैं, लश्कर जंगवी की सूरत में रही हैं, जिंदुला की सूरत में, इवन पाकिस्तान और ईरान में मुतवातर रही हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना वो बेसिक यही है कि ये जो हमला है ये एक ट्रेलर था, ये एक दूसरे की ताकत को नापने का एक ट्रेलर था। और ट्रेलर के लिए देखिए मेरी बात सुने, कासिम सलमानी साहब को शहीद किया जा सकता था दाइश के जरिए। अच्छा, दाइश के जरिए शहीद किया जा सकता था, ये तो एक अलग चैप्टर है, लेकिन शहीद करने के बाद बुबांगे दोहल पेंटागन ने ये बयान जारी किया कि हमने सदर ट्रंप के कहने पे ये हमला किया, और सदर ट्रंप ने ट्विटर पे खुद बयान जारी किया कि ये मेरी मैंने हमला कराया। बेसिकली ये कत्ल है, इसको देखें अमेरिका जैसी रियासत से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस किस्म का कत्ल, जिसका इस किस्म का रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, तो अमेरिका जैसी रियासत इस किस्म का जो है मतलब मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो सकती, इसके भी कोई ना कोई मकासद है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपने पोलियो ड्रॉप पिए? मेरे ख्याल में तभी ये हाल है आपका भजन। 1945 से आलमी दहशतगर्दी करी अमरीका रहा है, हिरोशिमा नागासाकी पे 500,000 लोगों को मार के आलमी दहशतगर्दी का आगाज ही अमेरिका ने किया है, सबसे बड़ी तारीख। मैं आप ही के मौकफ को ले रहा हूं, तो फिर इस अब जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैं गुजारिश सुन लीजिए, सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी पे नहीं, दुनिया के 80 मुल्कों के अंदर अपनी बदमाशी को कायम करने के लिए, उनके रिजर्व्स पे कब्जा करने के लिए अमेरिका हर वहां जगह उतरा जहां पर ये तमाम मदनियात मौजूद होती है, ठीक है ना? और अमेरिका का क्या लेना देना किसी चीज से, वो इनको लूटता है, लूट के चला जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो एक्चुअल चीज़ थी ना वो ये थी कि बहुत प्रेशर बढ़ रहा था अमेरिका पे, इराक को छोड़ने का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि इराकी अपने उस रिजर्व को जो ऑयल है उसको अपने लिए अपनाना चाहते थे, क्योंकि वो वाकई उनकी मिल्कियत है जिस पे अमेरिका काबिज था। ये जो जब उन्होंने देखा कि वो रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने कासिम सलमानी को हिट किया, क्योंकि कासिम सलमानी जो हैं वो वहाँ पे इराकी गवर्नमेंट के साथ इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे थे, और वो उस मुतालबे के सबसे बड़े दाई थे कि ये तमाम रिजर्व्स को अमेरिका को वापस किया जाए, अमेरिका वापस करे इराक को। अच्छा, इस कत्ल की दो वजूहात हैं, एक वो वजह है जो आपके यहाँ चल रही है और एक वो वजह है जो बिल्कुल पोशीदा है, मैं आपसे वो आगाह कर देता हूँ। अच्छा, कुदरत की तरफ से अमरीका भी 40 साल से इस इंतज़ार में था, मैं ईरान भी इस 40 साल से इंतज़ार में था कि अमेरिका डायरेक्ट आए। अब तक अमेरिका आता था, कभी सऊदी अरब के पीछे से आता था, कभी शाम के पीछे से आता था, कभी उर्दन के पीछे से आता था, कभी मिस्र के पीछे से आता था। ये जो मायानाज यहूदी हैं, ये इनका जहन का फार्मूला था कि मुसलमान के पीछे आओ और मुसलमान से आओ, ताकि ये मुसलमान आपस में टकराएं और ये शिया सुन्नी वॉर रहनी चाहिए, जिसमें हमारी इकतसादी तरक्की है, जिसमें हमारी लूट है, जिसमें हमारा तेल के ज़खीरे लूटना है, और ये मुसलमान आपस में दस्त गिरेबान हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री चले, जिसके तमाम जो असला साज फैक्ट्रियां हैं वो इन मुसलमान धड़ाधड़ खरीदेंगे। जैसा कि आपने देखा कि 890 अरब डॉलर का पिछले 4 साल में अमेरिका ने अरब रियासतों को असला बेचा, और दिखा के क्या बेचा कि तुम्हारा मसला ईरान है, तुम्हारा मसला ईरान है। मैं अपनी रिसर्च पे ये वाज़े तौर पे कह चुका था 2013 जुलाई में कि ईरान और सऊदीया की कभी वॉर नहीं होगी, इवन के ईरान की किसी इस्लामी स्टेट से कोई वॉर नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, है ही नहीं उनकी किताबों के अंदर। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि ये पहला मौका कुदरत ने ऐसा दिया जो कि जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे उससे एक साल पहले, जब मैं वहाँ दौरे पे था, तो मुझसे पाकिस्तानियों ने, अमरीकी सहाफ़ियों ने पूछा था कि आप किसको अमेरिकन सदर के तौर पे देखते हैं, क्लिंटन को या डोनाल्ड ट्रंप को? तो मैंने उनसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने बोला उसकी तो मकबूलियत 10% है, वो तो सदर बन ही नहीं सकता। मैंने बोला अगर दुनिया में जंग की तरफ जाना है तो इस जैसे नफसियाती मरीज की ज़रूरत है, ये नफसियाती मरीज ही लड़ा करते हैं जंग, अकलमंद इंसान जंग नहीं लड़ा करते। वो युवा वो आ गया। तो बात ये है कि आपको ये देखना होगा कि इस में ईरान का एक मतलब बहुत ही एक उसका एक कमाल, अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया कि अमेरिका डायरेक्ट हो गया। इसी मौके पे जो है वो फैसल, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और ये मौका क्या है इस पे जो है वो फैसल से जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक जो है वो ईरान जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं उसमें कामयाब हो सकता है। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل رضا عابدی، سابق سینیٹر ہیں اور ایک انتہائی اہم گرپ رکھتے ہیں ان تمام موضوعات پہ. اور فیصل کا کہنا ہے کہ ایران اس موقع کی تلاش میں جو ہے گزشتہ چار دہائیوں سے تھا، اور امریکہ نے یہ موقع آج ایران کو فراہم کر دیا ہے. فیصل، کیا تبدیلی آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ موقع جو ہے، جس قسم کی بات کی جا رہی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی جا رہی ہے مشرق وسطی سے بلکہ عالم اسلام سے، جو امریکہ کی گرپ تھی اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ایران جیسا مختصر ملک، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کس حد تک جو ہے وہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ موقع کیا مفادات جو ہے وہ ایران کو دے سکتا ہے؟ خوف کے دھارے کو توڑنے کے لیے یہ فیتہ کاٹ دیا ایران نے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، 80 سے زیادہ ممالک کے اندر امریکہ نے دہشت گردی کی ہے. وہ تمام لوگ امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، امریکہ کی گرپ سے باہر نکلیں. ایران نے یہ فیتہ کاٹ دیا بھائی، ان کو موقع فراہم کر دیا. اب امریکہ کا سورج جو 12 بجے پہنچ چکا تھا، 12:01 پہ غروب کی طرف چلا گیا. دنیا میں قانون قدرت ہے، بال پوری طاقت سے اوپر جاتی ہے، جب سینٹر آف گریویٹی پہ وہ اس کی طاقت ختم ہوتی ہے تو سینٹر آف گریویٹی اس کو واپس کھینچتی ہے. زوال جب ہوتا ہے تو بال بیچ میں سے دوبارہ نہیں اٹھا کرتی، پھر وہ زمین پہ امپیکٹ کرتی ہے، پھر شاید اٹھے تو اٹھے جتنی اس کی طاقت ہو. تو امریکہ کا جو یہ امپیکٹ ہے، یہ زمین بوس ہوگا، اور ہونا اس نے، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور عراق سے ہر صورت امریکہ نکلے گا. جب عراق سے نکلے گا، مشرق وسطی سے نکلے گا. جب مشرق وسطی سے نکلے گا تو ایشیا بھی اس کو باہر نکالے گا، تمام ممالک مل کے. جب ایشیا نکالے گا تو یورپ پیچھے ہٹ جائے گا، اور امریکہ واپس پیسیفک اور اٹلانٹک اوشن کے بیچ کے اندر رہ جائے گا، جو اس کی حدود ہے، اور رہنا بھی وہیں چاہیے. کوئی پولیس مین تو تھوڑی ہے پوری دنیا. امپورٹنٹ بات آپ نے کری وہ اس حوالے سے کہ جو ایران جو ہے وہ جو ایک بہرحال امریکی استعمار کی سازش کہہ لیں کہ ایک تھا کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں دست و گریبان ہیں، اور وہ سازش بڑی حد تک جو ہے وہ کامیاب. آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، وہ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی کسی مسلم ممالک سے جو ہے وہ اس کا تصادم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 سے زیادہ موقع تھے ایران کے پاس سعودی عرب سے ڈائریکٹ جنگ میں جانے کے، اور خاص طور پہ اس وقت موقع بڑا شدید تھا جب آیت اللہ نمر کو کی گردن قلم کی گئی اور قطیف کے اوپر آپریشن شروع کیا گیا، لیکن ایران اس کانفلکٹ کے اندر نہیں آیا. سعودی عرب کے اندر اب تک کوئی بھی ایسا دھماکہ نہیں، مان لیں کہ ایران نہیں آئے گا، لیکن سعودیہ کو کیسے روکیں گے؟ یا جو دیگر وہ بھی نہیں آئیں گے، وہ بھی نہیں آئیں گے. صرف اس وقت تک ایران کا ایک جو انیشیٹو آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس سرزمین سے امریکی اڈے استعمال نہ ہوں، ہم اس اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. تو اگر اس اڈوں کو نشانہ بنائیں تو پھر آپ بے شک کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ 100% شیورٹی دیتا ہوں کہ ایران کسی اسلامی ملک سے ڈائریکٹ جنگ میں نہیں جائے گا. ایران کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دے دیا ہے، اس موقع کے وہ انتظار میں تھا، ڈائریکٹ امریکہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے صدر کا کوئی ہیڈ منی رکھ دے، آپ کیا کریں گے؟ ایک پارلیمنٹ کسی ملک کی رکھ دے آپ کے صدر کی ہیڈ منی، آپ کیا کریں گے؟ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی نا. اچھا آپ نے ہیڈ منی رکھ دی، پورا امریکہ خاموش ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی تعزیتیں ہوئیں، شمالی کوریا نے بھی کی، مصر نے بھی کی، ملیشیا نے بھی کی، ٹرکی نے بھی کی. یہ تعزیتیں ایک طرف رکھ دیں تو سب سے زیادہ اس کی تعزیت اور مذمت امریکہ میں ہوئی ہے، جو وہاں کی عوام جو ہے اس کو دہشت گردانہ وار قرار دے رہی ہے اپنے ہی صدر کا. اور جب آپ نے اس کے صدر کی قیمت رکھی تو وہ خوش ہوئے کہ اچھا اس سے جان چھوٹ جائے ہماری، $80 million وہ کمانے کے چکر میں لگ گئے کہ اس طرح ہمیں مل جائیں، ہم بھی چائنا کا $8 trillion کا قرضہ اتار دیں. بات اتنی سی ہے کہ آپ کسی صدر کی جب ہیڈ منی رکھتے ہیں تو اس کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اس نے قتل کا مرتکب ہوا ہے، یہ قتل ہے. یہ اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ ایک ملک میں آئے ہوئے ایک مہمان کے اوپر وہ حملہ کر کے وہاں کے ڈپٹی آرمی چیف کو اور ایران کے پاسداران انقلاب. ماضی میں اس سے بڑے بڑے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں، افغانستان کا حملہ تھا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا. بات سنیں، افغانستان کے حملے کے پیچھے 9/11 کا کردار تھا نا. آپ اس ڈبیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کہ 9/11 کے اندر حملہ کس نے کرایا تھا. اس ڈپیٹ کے اندر خود امریکن سب سے بھاری ہیں، وہاں کے صحافی بھاری ہیں. آج امریکہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ایران پہ جو ہے وہ اٹیک کر پاتا اس طریقے سے؟ نیر زیدی جو اس پہ ایک ریسرچر تھا جو پاکستان کا مشہور زمانہ جرنلسٹ واشنگٹن میں تھا، وہ آج بھی نامعلوم جگہ پہ قید ہے، کچھ نہیں پتا وہ کدھر ہے. سب کو پتا ہے 9/11 کس نے کرایا تھا. آج تک کوئی ایک طیارہ اڑتا ہے امریکن ایئر اسپیس کے اندر، ڈائیورٹ کرتا ہے اپنی اسپیس کو اور 4 گھنٹے ٹریول کر کے پھٹ جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے. آج بھی آپ دیکھیں نا، وہ ایک نیوکلیئر کا جو ہے وہ لیبل ایران پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس انناؤنس نیوکلیئر پاور، میزائل نہیں ہوتے، میزائل وہی بناتا ہے جس کے پاس وار ہیڈ ہوتا ہے. وہ میزائل بنائی وار ہیڈ کے لیے جاتے ہیں. یہ تو آپ امریکہ کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر نیوکلیئر پاور ہے تو امریکہ کے پاس تو جسٹیفیکیشن موجود ہے اس پہ حملے کرنے کی. انناؤنسڈ
बहुत से मुल्क हैं, एक ईरान नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं। जाहिर बात है ये तो जस्टिफिकेशन देता है ना अमेरिका को, ये मौके बेशक दे, कोई इशू नहीं है। क्यों, अमेरिका की कोई इजारादारी तो नहीं है? अमेरिका के पास क्या न्यूक्लियर वेपन नहीं है? क्या उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम नहीं मारे? क्या उसने 5 लाख लोगों का कत्लेआम नहीं किया? वो किस मुंह से बात करता है? वो इस क्राइसिस में है। और अभी आप गुज़िश्ता अगर माजी करीब की बात कर ले तो उसमें बड़ी हद तक न्यूक्लियर पावर उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं होता जब तक कि आप उसका तजर्बा ना करें, ठीक है ना? तजर्बा उन्होंने नहीं किया, तजर्बा हमने किया। हम उस सफ में तो आ गए लेकिन सेंशंस में चले गए। सेंशंस को हमने विड्रॉ कराने के लिए और वो चीज़ मानी जो मनवाई जा रही थी उन पे 40 ईयर्स से बगैर किसी न्यूक्लियर इंपैक्ट के जो है वो सेंशंस है। लास्ट फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स ईरान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है लेकिन दुनिया को तेल नहीं बेच सकता एवज पैसे के। ये तो अक्वामे मुत्तहिदा की मेहरबानी है कि ईरान को इजाजत दे दी कि आप अपना तेल बेच लें, गंदम लेनी है जिससे गंदम ले लें, जिससे टेक्नोलॉजी लेनी है आपने, मेडिसिन लेनी है आप मेडिसिन ले लें। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है 40 साल से जो अपना जखीरा फरोख करता है एवज खुराक। लेकिन फैसल बुनियादी सवाल वही आता है ना कि अगर मईशत कमजोर होगी तो कैसे मुकाबला किया जाएगा? किसने कहा आपको मईशत कमजोर है? अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि ईरान में जो है वो इस हवाले से महंगाई बेरोजगारी पे मुजाहरे वहां पर भी शुरू हुए। सो व्हाट वो पूरी वैक्यूम है। आप क्या समझते हैं रियासत में इस किस्म का वैक्यूम हो वो रियासत कैसे मुकाबला कर सकती है? क्या समझते हैं चार मुल्कों के अंदर जो दाइश से नबर्द आजमा रहा, जो आईएसआईएस से नबर्द आजमा रहा, क्या उस पर पैसे नहीं खर्च हुए होंगे? बिल्कुल खर्च हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। ये तो वो अपना पेट काट के उन्होंने आले रसूल के मजारात की हिफाजत की और इस फितने का कला कमा किया जिसको दाइश कहते हैं, जो के वो क्लेम तो अमेरिका भी कर रहा है। डॉलर ट्रंप जो है वो अपनी स्पीच में ये क्लेम कर रहा है कि हमने जो है वो 10,000 मारे दाइश। कहां से मारे, किधर मारे, किस जगह मारे, एक बता दे। वो तो मैं तो आपको उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स बता रहा हूं, वो तो खुद कहते हैं कि बनाई हमने, हमने इनको जो हालिया तकरीर है उसमें कहा कि 10,000 और ईरान को सेव किया। जिस शख्स को पूरा 90% अमेरिका दुनिया का अजीम तरीन झूठा मानता है आप उस पर करते हैं तो करें, फिर क्या मसला है इसमें? नो इशू, नहीं मेरे करने का नहीं, क्लेम की बात हो रही है। ईरान अगर क्लेम कर रहा है तो अमेरिका भी उसी चीज को क्लेम कर रहा है। भाई मैं भी तो वही क्लेम कर रहा हूं कि उनकी तो अमेरिकन्स की अपनी रिपोर्ट्स इस चीज के अंदर मंजरे आम पे हैं, कभी वो लाइए, कभी लोगों को दिखाइए। ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान जैसा एक मुख्तसर समूह, मैं बार-बार वो जुमला इस्तेमाल करूंगा, नहीं दाइश के पीछे अमेरिका हो ना हो, नहीं फिर कौन? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईरान जैसा मुल्क जो 4-5 लाख जिसकी फौज है मुकम्मल तौर पर, अमेरिका को अगर समझना है ना भाई, तो जो मैं आपको 3 फार्मूले आज बता रहा हूँ ना, अमेरिका को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। अमेरिका 3 चीज़ों पे आपकी जान का दुश्मन हो जाएगा अगर आपने आने की कोशिश की। देखें पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक करेंसी है, जैसे पाकिस्तान का रुपया, हर मुल्क में एक करेंसी नहीं है, 2 करेंसियाँ हैं, एक पाकिस्तानी रुपया एक डॉलर, एक रियाल एक डॉलर, एक धर्म एक डॉलर, एक येन एक डॉलर, एक रूबल एक डॉलर, एक रेंगिट एक डॉलर, एक पाउंड एक डॉलर, एक एक हर मुल्क की करेंसी और एक आलमी करेंसी, 190 मुल्कों की करेंसी का नाम है डॉलर। बिल्कुल है, एम आई राइट? बिल्कुल। अच्छा अमेरिका को अब कितनी दुनिया में डॉलर की सर्कुलेशन है इसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं। भाई आप ही के मुल्क से जमीन के अंदर दफन हुए करोड़ों अरबों डॉलर निकले ना, हाँ जो छुपे हुए थे सद्दाम हुसैन के वक्त में, वहां उसके महल से निकले, हर जगह से डॉलर निकल आते हैं, निकलते हैं। तो डॉलर देखें अमेरिका को ना इंडस्ट्री की जरूरत है, ना उसको फैक्ट्रियों की जरूरत है, ना कारों की फैक्ट्रियों की जरूरत है, क्योंकि उसको सीधी सी आसान सी बात है कि अगर उसको पाकिस्तान में किसी सियासतदान को खरीदना है और वो $1 अरब में बिक रहा है तो वो एक फोन करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को कि यार 15 मिनट जरा मशीन और चला के डॉलर छाप दो। एम राइट? ठीक है, है ना या गलत हूं मैं? $100 आदमियों को खरीदना है तो $1 trillion वो एक रात मजीद मेहनत करके और छाप लेगा, तो जो भी डॉलर को थ्रेट करेगा वो जंग के लिए उतरेगा। माजी में जमाल अब्दुल नासिर का कत्ल हो, अनवर सादात का कत्ल हो, या बड़े बड़े नामी गिरामी जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल हो, उसके पीछे ये वाइट एलिफेंट था। उसकी वजह के इन्होंने क्या, कर्नल कजाफी ने क्या जुर्म किया था? कर्नल कजाफी ने कहा था हम अपनी इस्लामी करेंसी बनाएंगे। अभी हाल ही में ऐसा क्या वाकया हुआ जो अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? वाकया ये था कि मलेशिया के अंदर महातिर बिन मोहम्मद तैयब उर्दगान, कतर के अमीर और ईरान ने यह फैसला किया कि हम सोने के सिक्के को राइज करेंगे, अपनी करेंसी बनाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने। फौरी तौर पे दुनिया को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कासिम सलमानी को हिट किया ताकि ईरान डायरेक्ट जंग में उतरे और ये वाला पोर्शन खामोश हो जाए, जिसके फौरन बाद महातिर बिन मोहम्मद का बयान आया कि अब अगला ड्रोन मेरे पे होने के ज्यादा चांस है, अमेरिका मुझे निशाना बनाएगा।
यहीं से शुरू हो जाए ना कि मतलब ये सब लिसन टू मी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं जो आपको समझाना, इस बुनियाद पे ईरान कैसे इसको काउंटर करेगा? मैं बता रहा हूं भाई, काउंटर मैं आपको ऐसी रिसर्च दूंगा कि आप सोच के हैरान रह जाओगे कि ईरान बहुत ताकतवर मुल्क है। नहीं, लोग जानना चाहते हैं ना, लोग मैं वही तो बताऊंगा ना, जानना चाहते हैं, को जानना चाहते हैं कि 15 मिनट में बता दूं, मैं 15 साल की रिसर्च आपको, कि इस बुनियाद पे, किस बुनियाद पे ईरान जैसा मुल्क जो है, जो मैं बता रहा हूं, कोई गुजारिश सुन ले, मैं तरतीब से आ रहा हूं ना, मैंने ये वक्त जरूरी समझा तो 1.5 साल बाद आया हूं ना, मेरी रियासत को मेरी जरूरत पड़ गई, मैं समझता हूं कि मेरी रियासत को मेरी जरूरत है, मैंने भी यहां अमेरिका को शिकस्त देनी है, हर सूरत देनी है, और किस तरह देनी है, अपनी फौज का साथ दे के देनी है, अपनी कौम को फौज के साथ खड़ा करके देनी है, हम पे भी ये जंग रेडी खड़ी हुई है। सो लिसन टू मी, महादिर बिन मोहम्मद का बयान आया कि भाई मुझे भी कत्ल कर देगा, क्यों कर देगा भाई, आपने सबसे बड़ा जुर्म किया उसके सामने, आपने करेंसी राज करने की बात कर दी, इसीलिए कासिम सलमानी अबू मेहदी को फौरी तौर पर निशाना बना के कबूला कि हमने मारा है, ताकि डायरेक्ट जंग शुरू हो जाए, ईरान ने उसका रिप्लाई कर दिया, उसको रिप्लाई ऐसा किया कि वो तारीख के अंदर हिल के रह गया। अब दूसरा अमरीका का जो निशाना होता है वो क्या होता है, जो भी शख्स ऑयल के ऊपर आएगा या गैस के ऊपर आएगा वो उसको निशाना बनाना शुरू हो जाएगा, जैसा कि यमन को बना रहा है, क्योंकि यमन ने जसारत की थी कि अलजौफ में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व रखने वाला मुल्क ऑयल में यमन है, और ओपेक का रुकन भी नहीं है, बनने ही नहीं दिया गया, उसके ऑयल को सक करती है आराम को और पूरी दुनिया में बेचती है, ये ऑयल के सबसे बड़े डाकू बेसिकली। अब ईरान से दूसरा उसका जो तनाजा था वो क्या आया, क्योंकि आपको याद होगा आज से 4 साल पहले एकदम दुनिया में पेट्रोल खासतौर पे पाकिस्तान में 100 रुपए से गिर के 60 रुपए पे आ गया था। ऐसा क्या माजरा हुआ था, याजूज माजूज तो नहीं आए थे, कुछ तो हुआ था, वो ये हुआ था कि ओबामा ने ईरान पर से सैंक्शन लिफ्ट कर दी थी, ईरान का तेल मार्केट में बिकने आया, आराम को की आमदनी का धड़न तख्ता हो गया। ठीक है, नंबर 3 और सबसे अहम तरीन चीज वो है उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो भी मिसाइल बनाएगा वो उसको थ्रेट करेगा, उस पर जंग लागू कर देगा। टर्की ने S-300 S-400 मिसाइल खरीदने की कोशिश की पैट्रियट को तुर्क करके, और वो तुर्की को थ्रेट करने के लिए तुर्की में उर्दोगान के ऊपर उसने बगावत खड़ी कर दी। पाकिस्तान से उसको सबसे ज़्यादा मसला ये, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर मिसाइल निज़ाम है, जो पाकिस्तान एक कामयाब निजाम मिसाइल रखता है। शुमाल लेने नहीं, तो इसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इसको जो है वो फैसल से मजीद जानेंगे, पाकिस्तान का जो ताकतवर मिसाइल का निजाम है इस पर भी बात करेंगे, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे ईरान अमेरिका कशीदगी की, और फैसल रज़ा अबदी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आपने जिक्र करा पाकिस्तान की जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का, पाकिस्तान यकीनन एक एटमी ताकत है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, इतनी बड़ी फ़ौज है और मुसलसल प्रैक्टिस में ये फ़ौज है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो हमने माजी में देखा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला हो, अफगान जंग हो, मशरक़ी मगरबी सरहदें जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो मौके पे जो है पाकिस्तानी फौज जो है वो नंबर आजमा रही है और एक प्रैक्टिस है मुसलसल। ईरान किस बुनियाद पे आप समझते हैं कि इस तमाम हालात का मुकाबला कर सकता है, अमेरिका जैसी रियासत को मुश्किल वक्त दे सकता है? जो मिसाइल बनाएगा उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ से 12,000-13,000 किलोमीटर की मसाफत के ऊपर है, सिर्फ मिसाइल ही पहुँच सकता है। अटलांटिक और पैसिफिक को क्रॉस करना किसी मुल्क की फ़ौज के बस की बात ही नहीं है, वो समझता है कि हमारी तबाही का सबब किसी न किसी मुल्क के मिसाइल बनेंगे, कुछ उनकी कदीम किताबों में लिखा है, कुछ हमारी कदीम किताबों में लिखा है, बहरहाल इसका जो नसीब है वो अटलांटिक का पानी ही बनेगा आखिर में, जो किताबों में लिखा है, आसमानी किताबों में। बहरहाल तो ईरान ने इसका जो ड्रोन था उसको गिरा के, देखें ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर 20वें नंबर पे भी नहीं था, लेकिन जब 60,000 फिट की बुलंदी पर इसका जदीद ड्रोन इसने गिराया है तो एकदम से 3रे नंबर पर आ गया। पैट्रियट S-300 S-400 के बाद ईरानी मिसाइल ने दुनिया में धूम मचा दी, बड़ी तादाद में उसके ख़रीदार इस कामयाब तजर्बे के बाद उसके ख़रीदार लाइन लगा के खड़े हो गए। और मैंने आपको बताया वो एटमी टेक्नोलॉजी पूरी रखता है, इवन कि उसने एटम बम नहीं बनाया अभी तक, लेकिन बनाना चाहे तो जब चाहे बना ले। आपने कहा कि एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, टेक्नोलॉजी रखने, देखें लेकिन दूसरी तरफ ये पाबंदियाँ क्यों लगाई हैं, आयतुल्लाह खामेनी है उनकी तरफ से जो है उसको हराम करार दिया गया। आदमी अपनी तैयारी पूरी रखता है, जब उन पे कभी एटमी एक चीज को हराम करार दे दिया गया उसके बाद जो है हराम हमले को करार दिया गया है, लेकिन अगर किसी ने एक्शन लिया, पाकिस्तान के पास एटमी असला है, इंडिया हम पर हमला करता है एटमी, तो हम क्या अपने एटम बम यहाँ पे कबाड़ में बेचने के लिए रखें? जाहिर बात है मारेंगे, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, रिप्लाई हमेशा हमले का जवाब हमले से ही दिया जाता है, पहल नहीं की जाती, ये उनका सबसे अहम तरीन नुकता है।
वो जब चाहे बना लें। अब उन्होंने दोबारा उसको माहदे को छोड़ के और आगे की तरफ जाने का ऐलान किया है, तो वो एटमी टेक्नोलॉजी किस तरफ लेके जाएगी आगे, जाहिर बात है असले की तरफ लेके जाएगी। दूसरा, ईरान ने कामयाब इम्पैक्ट किया मिज़ाइल का कि पूरे अमेरिकन भैरी बेड़े एयरबेस ख़त्म करते हुए ऐनुल असद उसके अड्डे पे, वो अड्डा नहीं है बेसिकली, वो एयरबेस है 50 किलोमीटर स्क्वायर यार्ड के ऊपर मोहित एक एयरबेस है जो लगभग 3,000 एकड़ का रकबा है, जिसके अंदर उसके जदीद रेडार थे, जदीद मिज़ाइल एंटी मिज़ाइल शिकन निज़ाम था, सैकड़ों की तादाद में टैंक थे, 100 से ज़्यादा तैयारे थे, 30 से ज़्यादा ड्रोन थे, वो तमाम के तमाम ईरान ने राख कर दिए अपने कामयाब मिज़ाइल हमलों से और सीधा वहाँ इम्पैक्ट किया जहाँ पे उसके रेडार थे, जहाँ उसका कंट्रोल रूम था। सेंट्रली आप इसको ये कह सकते हैं कि ये गल्फ का पेंटागन था, मिनी पेंटागन था, ये पूरे गल्फ को कंट्रोल करता था। तो ईरान ने कामयाब इम्पैक्ट देते हुए उसके अड्डों को राख कर दिया। इवन के हम इस जगह पे बैठे हैं, अगर इस जगह को मनदम कर दिया जाए या तबाह कर दिया जाए और हमें फौरन प्रोग्राम करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सड़क पे बैठ के करेंगे। तो ईरान ने उसकी कमीनगाहों को तबाह कर दिया, वो इराक में रहने लायक नहीं रहा, हर सूरत उसको इराक से रिट्रीट करना पड़ेगा, और इराक से अगर वो पीछे हटता है तो पूरे मशरक़ वस्ता से उसको निकलना पड़ेगा। क्योंकि और मैं समझता हूँ कि कमज़ोर अमेरिका मजबूत तरीन पाकिस्तान के हक में, कमज़ोर अमेरिका मजबूत पाकिस्तान, ये एक नज़रिया है जो हमारा आज से नहीं 15 साल से रहा है। हमारे तमाम प्रोडक्ट्स को, तमाम मंसूबों को, तमाम जगहों को, इवन के पार्लियामेंट में बैठे हुए अपने जरखरीद गुलामों के जरिए पाकिस्तान को एकदम जैम करके रख दिया है। ना हम अपनी मादनियात निकाल सकते हैं, ना हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से सस्ता ऑयल और गैस ला सकते हैं। ईरान की गैस पाइपलाइन हमारे पास गुज़िश्ता 7 साल से उस पर धूल जम रही है, हम एक पत्थर नहीं लगा सकते। इन सब चीज़ों के पीछे कौन था? अमेरिका होगा क्या? मतलब हम यूनिपोलर वर्ल्ड से जो है बायोपोलर पर जा रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड पर जाएंगे हम? किस ना, मैंने तो आपको 2012 में बताया था कि 18 के बाद दुनिया में दो प्लेटफॉर्म आएंगे, एक तरफ अमेरिका और उसके इत्यादि होंगे, तो दूसरी तरफ ईरान, रशिया, चाइना और टर्की होंगे, और वो आ गए। तो आ गए। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि वो उम्मत मुस्लिमा कहाँ गई? उम्मत मुस्लिमा तो आप देखें कि वो तो अभी ख्वाब गफलत में है माशाल्लाह से, उसको क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से निकालने में ईरान का ये कदम तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जमूद जो है ईरान ने तोड़ दिया अमेरिका का। अमेरिका के जमूद तोड़ने के बाद ना सऊदी अरब को किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना गल्फ को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अमेरिका का बेहतरीन मुतबादल पाकिस्तान फौज है, वो बेहतरीन दिहाइयों पर मबनी अमरीकी प्रैक्टिस है, ये दिहाइयों पर मबनी फिरौन भी था, इन्फ्लुएंस है, दिहाइयों पर मबनी नमरूद भी था, दिहाइयों पर मबनी शद्दाद भी था, लेकिन फिर खुदा भी है, तो जो खुदा वाले हैं वो फिर खुदा का नाम लेके उठते हैं, मस्जिद जुमकरान पे वो परचम लगाते हैं जो इंसान का फैसला नहीं हो सकता, ये किसी इमाम का ही फैसला हो सकता है, फिर वो जंग का आगाज़ भी कर सकते हैं। तो दुनिया एक ऐसी जंग की तरफ आ गई जिसकी सदियों से मैं और आप गुफ्तगू करते आ रहे हैं, सदियों से हम और आप बताते चले आ रहे हैं, हालात वहीं पर आ गए जो 1400 साल कबल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या मेरे मौला अली ने बताया। बहुत शुक्रिया फैसल, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। हम मुकम्मल तौर पर इसको कंक्लूड नहीं कर सके कि किस बुनियाद पर, किस तरीके से, वो क्या हालात होंगे कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो ईरान अमेरिका को शिकस्त दे पाएगा। लेकिन फैसल हमारे साथ थे और इसको फैसल कह रहे हैं कि टॉपिक को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको मजीद कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि किस बुनियाद पर और क्या हालात पैदा होंगे। लेकिन एक बात जिससे इस वक्त यकीनन पूरी दुनिया इत्तेफाक करेगी वो ये कि एक नया विजन जो है वो इस वक्त दुनिया में आ चुका है, और किसी भी सतह पर उसको साइकोलॉजिकली कह लें या जो है वो वाकई जो है वो ईरान इस हद तक जो है वो ताकत रखता है कि अमेरिका को जो है वो मुश्किल वक्त दे सकता है। लेकिन किसी भी बुनियाद पर जो है वो बहरहाल एक रिफ्ट, दो ब्लॉक जो है वो हमारे सामने हैं। मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा आने वाला हालात, आइंदा आने वाले वाकयात जो है वो उसका फैसला करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तितम को पहुँचता है, मंसूर खान को इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।